हाय फ्रेंड्स, आप लोग को फिर से स्वागत है मेरा एक नया वीडियो पे। मैं हूँ आपका महाप्रसाद। मैं हूँ आपकी राजश्री। स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। हम लोग प्लान किए थे एक्चुअली 3 डेज का। 3 डेज वीकेंड था लगातार, तो आज गांधी जयंती है, तो हम लोग ने प्लान किया था कि किधर जाएंगे करके। तो मेरा एक दोस्त दो दोस्त है, प्रसन्नजीत और प्रशांत, तो उन लोगों ने भी बाइक हायर किया था यहाँ से, रॉयल ब्रदर्स। आपको आप लोगों को पता रहेगा, बेंगलोर पे रॉयल ब्रदर्स जो बाइक हायरिंग मतलब बाइक ये पे रेंट पे देते ऐसे हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन हाँ, बहुत साइट सारे है, आपको मिल जाएगा, बट लेकिन अब मैंने देखा है रॉयल ब्रदर्स का अच्छा रहता है, सर्विस अच्छा रहता है, इसके अच्छा लिए रिव्यू भी दिए रिव्यू ना। भी दे रहे थे, हाँ तो इसके लिए उन लोगों ने भी लिया है। हम लोगों ने प्लान भी किया था मॉर्निंग पे जाने के लिए, लेकिन हम लोग लास्ट 2 डेज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 350 पर डे हो गया ना, 350 700 प्लस हो गया। तो मैंने बाइक भी वॉश करके रखा था जाऊंगा करके, लेकिन आज सुबह उठ नहीं पाया। उन लोगों ने बहुत गुस्सा किया हमारे ऊपर, बोले कि हम लोग बाइक आ रही है और तुम लोग ने आए नहीं, वहां पे मना कर रहे हो, बहुत ट्रैवल कर रहे वैसे थे तो हम लेकिन। सोचे थे आज पूरा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा टाइम के बाद हाँ सोचे कि नहीं कहीं पर तो जाते हैं। हाँ लेकिन वो प्रशांत और प्रशांत ने बहुत गुस्सा किया कि तुम लोग बोले थे जाने के लिए फिर मना कर रहे हो। तो मैंने क्या किया कि उनको एक प्लान बताया, तो बोला कि तुम जाओ लोकल पे घूम के आओ। तो उन लोग ने यहाँ पे गए ना, वो इस्कन टेम्पल, इस्कन टेम्पल गए, लूलू मॉल गए और विधानसभा गए, बैंगलोर बैंगलोर पैलेस पैलेस भी गए, में लेकिन आज छुट्टी था वहां पे, मतलब बंद था, वो जा नहीं पाए, तो फिर थोड़ा अपसेट हुए। फिर हम लोग क्या बोले कि ठीक है चलो आज हम लोग शाम को एक ट्रीट देंगे, गुस्सा शांत करने के लिए हम लोग प्लान किए कि उनको ट्रीट देने के लिए। तो हम लोग प्लान करें नहीं, ये नजदीक कहीं पे जाएंगे कैफे वगैरह, तो यहाँ देख पर रामेश्वरम कैफे बहुत फेमस है, तो सोचे कि उधर ही उनको चलते हैं ट्रीट फिर। करते हैं और उनका गुस्सा शांत वैसे करते कितना हैं। किलोमीटर होगा माराथली से? हाँ, माराथली से वो नजदीक है, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के तो अंदर ही है, आपको वो ब्रुकफील्ड के पास ही हमें नजदीक पड़ा है, बहुत तो टाइम से हम लोग को थोड़ा प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगा। तो ठीक है हम लोग चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या है। पहले तो प्रशांत और प्रसन्नजीत का गुस्सा शांत करना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रामेश्वरम कैफे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, आज गांधी जयंती है, देखिए लोग नीचे भी बैठे हैं, और ये आगे देखिए हम लोग को शायद ये यूपीआई का भी, यहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं यूपीआई का, और उनका भी काउंटर भी है, ये देखिए आप यूपीआई यहाँ पे भी आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो काउंटर पे भी कर सकते हैं, और ये और एक यूपीआई काउंटर जहाँ पे आप भी कर सकते हैं ऑर्डर, देखिए मैडम भी यूपीआई के थ्रू पे ऑर्डर कर रहे हैं पेमेंट करके, और ये वाला उनका मेन काउंटर जहाँ पर खुद जाके क्या सर कार्ड भी कर सकते हैं, और ये देखिए रेड चार्ट अफोर्डेबल प्राइस है, कुछ कुछ आइटम पे भी ज़्यादा पैसा लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मेंदू वड़ा जो दो छोटा वाला वड़ा को भी ज़्यादा पैसा लेते हैं, और देखिए ये हम लोग ने ऑर्डर किया था यहाँ पे मसाला बूंदा हम लोग ने ऑर्डर किया, इडली आप देख सकते हैं, पूरी देख सकते हैं कितना बड़ा पूरी है, और सब्जी दे रहे हैं वो लोग, डोसा भी देते हैं, डोसा पे ना बहुत घी डालते हैं, मैं आपको दिखा था वहाँ आगे का वीडियो में कितना घी ऐड करते हैं, बाप रे में तो ये हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लोग ना नीचे बैठे हैं लिटरली नीचे, अगर मम्मी बोलेंगे नीचे बैठ के घर पे खा ले तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं बैठूंगा मुझे बेड पे लाके दो। ये देखिए सब लोग लाइन पे खड़े हैं, यहाँ पे अलग अलग काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, कहीं पे रागी रोटी, कहीं पे डोसा, कहीं पे इडली, कहीं पे राइस, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा अलग अलग काउंटर बनाया है पूरी का भी। अभी आप देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं शायद मसाला डोसा बना रहे हैं, और ये उनका राइस का आइटम, मैं आपको दिखाऊंगा घी का आइटम कहाँ पे है वो एक्चुअली दिखा रहे हैं। हाँ अब देखिए दही भात कॉर्ड राइस बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक बंद भैया हमारा यहाँ पे डोसा बना रहे हैं, डोसा पे कुछ तो घी पूड़ी डोसा है, घी पूड़ी इडली है, और ये देखिए ये कितना क्वांटिटी का घी डालते हैं, इससे मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब कितना डालना है क्या डालना है, जब तक वो इडली या डोसा ना पूरा घी से भरता नहीं है ना तब तक डालते रहते हैं, ओके एक एक मतलब जो ये बना बनता है ना उस पर पूरा का 1 लीटर का घी डाल देते हैं। देखिए थोड़ा ये होता है मतलब कभी हम लोग अगर घी ज़्यादा पसंद नहीं करते ना, ज़्यादा घी थोड़ा देख के भी ऑर्डर करना चाहिए एक्चुअली, ये तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। और मैं दिखाता हूँ ये जो घी पूड़ी पे उसके बोलते हैं ना इडली पे कुछ तो मसाला डालते हैं और उसके ऊपर घी डालते हैं, देखिए कितना क्वांटिटी का घी डालते हैं इसे पूरा। आप देखे होंगे एक मिल्क वाला जो चाय वाला दुकान था
यहाँ पे मिल्क ऐसे डालता था, ये लोग यहाँ पे घी ऐसा डालते हैं। थोड़ा मतलब ठीक है, हम लोग खा सकते हैं, लग थोड़ा एजेड रहेंगे तो इतना घी हजम करना चाहिए। बाप रे वो डालते, देखिए ये ना इडली का है, घी पूरी इडली, एक ही इडली देते हैं मतलब एक थाली जैसा, और उसके ऊपर देखिए कितना क्वांटिटी का घी है और मसाला है। यहाँ पे देखिए भैया लोग, हमारा दोस्त लोग, दोस्त लोग नहीं मैं मतलब बैठे हैं, लिटरली नीचे बैठे हैं यहाँ पे देखिए। मतलब अगर मम्मी बोलेंगे घर पे नीचे बैठ के खा तो सुनेंगे नहीं, बोलेंगे मैं बेड पे खाऊंगा। देखिए भैया यहाँ पे घी डाल रहे हैं, कितना घी डालते हैं बाप रे। ये आलू बोंडा, ये हमारा हम लोग ने ऑर्डर किया था एक बड़ा मसाला बोंडा, ये हमारा नॉर्मल बड़ा, दो बड़ा है लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और बाकी ये आइटम जो हम लोग ने ऑर्डर किया है ये अच्छा है, मतलब ये डीप सांबर विथ बड़ा विथ डीप सांबर, ये हम लोग ने जैसे हलवा जैसा रहता है ऐसे बनाते हैं, मसाला बोंडा नॉर्मल बोंडा ऐसा बना है, ऑर्डर किए थे। ये हमारा पहाड़ी है, ये मेरी वाइफ, ये प्रसन्नजीत, तो हम लोग आए हैं आज। गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, देखते हैं कैसा टेस्ट है, मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। ठीक है चलिए फिर टेस्ट करता हूँ मैं, बताता हूँ, और आप भी कमेंट करके बताइए अगर आपने यहाँ पे खाना खाया है।